मल्लिका जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश। ये आज किस तरह का वृक्षारोपण आप लोगों ने किया है? ये सरस्वती शिक्षा निकेतन कला समिति है, इसके तत्वाधान में आज दिव्या जी के सौजन्य से यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। ये कितने वृक्ष लगाएगा लगभग? इन्होंने 51 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, बाकी वृक्ष रखा हुआ है, 5-10 हमने लगाया। ये कहाँ पर लगाया गया है? जी ये कोनिया, शायद कज्जाकपुरा कोनिया में स्थित है ये जगह। ये इसका लगाने का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित और प्लस भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हम एनवायरनमेंट दे के जाएं, उसके लिए ये संदेश है। ठीक। युवा फाउंडेशन से उपाध्यक्ष, आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था वृक्षारोपण के बारे में, तो मुझे भी निमंत्रण दिया गया कि मैडम आप आइए, थोड़ा हमारा साथ दीजिए। मैं यहाँ पे आई तो देखी वातावरण बहुत अच्छे थे और सभी लोग बहुत खुश थे, पेड़ पौधे लगाते हुए मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि आज के युग में कहाँ लोग सोचते हैं, अरे बस घर मकान बनवाना है, अच्छे से महल बनवाना है, लेकिन पौधों के बारे में लोग सोचना। ये लगाने का क्या उद्देश्य था? बिल्कुल, वृक्षारोपण लगाने के पीछे बहुत अच्छे उद्देश्य हैं कि स्वास्थ्य इतने खराब होते जा रहे हैं, लोगों के डाउन होते जा रहे हैं, और जहाँ देखो वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। आज अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सरस्वती शिक्षा कला समिति से दिव्या चौधरी। ये आज किस तरह का आप लोगों ने वृक्षारोपण किया है? सर ये वृक्षारोपण हम लोगों ने प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए और स्वच्छ और सुरक्षित करने के लिए वृक्ष लगवाए हैं अपने सेंटर के। कितने वृक्ष आपने लगवाया है? सर हमने तो ऐसे 51 वृक्ष का संकल्प लिया है और कुछ वृक्ष अभी हमने लगवाए हैं और कुछ वृक्ष रखे हैं जो कि अभी लगेंगे। ये बच्चों को क्या संदेश देना चाह रही है? बच्चों को इस बारे में कैसे बताएंगे? जी बच्चों को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अपने आसपास जितने भी लोग हैं अपने आसपास अपने घरों में वृक्ष लगाएं, जिससे कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण संतुलित हो और शुद्ध हवा सबको मिले, जिससे कि ऑक्सीजन अच्छे मिलेंगे तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जी हाँ, ये प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं और अगर वृक्ष हम लोग लगाएंगे तो उनसे स्वच्छ हवा हमको मिलेगा और हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे।